भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया है। भादसो शुगर मिल को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा सील करने किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मिल को सील नहीं होने देंगे जब तक उनके गन्ने की एक पोरी मिल में नहीं पड़ती, तब तक मिल को सील नहीं होने देंगे। किसान खुद चलाने के लिए तैयार हैं और हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। देखिए, जो ये बात सो शुगर मिल है, यहाँ परिवार डिपार्टमेंट के लोगों ने इसको सील कर दिया है। जो भी कमियां होंगी शुगर मिल की तरफ से होंगी, और ऐसे वक्त में इस मिल को सील कर दिया गया जब गन्ने का सीजन मुश्किल से 15-20 दिन का रह गया, ऊपर से गर्मी का सीजन है और मिल बंद होने से गन्ना किसान कहाँ लेकर के जाएगा। किसानों में इस बात को लेकर के सकते में किसान हड़कंप मचा है उनके अंदर, और इस बात को लेकर के कल हम उपायुक्त महोदय को करनाल मिले थे, उनको भी हमने कहा कि ये हमारी मिल चलवाओ। आज भी हम यहाँ शुगर मिल के परिसर में किसान पंचायत बुलाई गई है और यहाँ अधिकारी आए, हम उनको भी यही बात कह रहे हैं कि मिल चलवाओ। अगर सरकार ने, प्रशासन ने इस मिल को नहीं चलवाया तो भारतीय किसान यूनियन इस मिल को जबरदस्ती चलाएगी। अगर यहाँ जो कल अवधि खत्म हो रही है गन्ने को गेट को सील करने की, ना तो हम इसको सील करने देंगे, सील कर दिया गया तो उसको तोड़ देंगे, और यहाँ पर्ची जो मिल की तरफ से गन्ना लाने के लिए भेजी जाती है उसको भी बंद कर दिया गया है 3 दिन से। तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों को पर्ची जारी की जाएंगी और इस मिल को हम अपने हाथ में लेकर के इसको चलाएंगे। तो ये हमारी चेतावनी और मांग भी है हमारी मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से, कि ऐसे मुसीबत में किसान को ना डालो कि ये बर्बाद हो जाएगा। और अगर एक बार जो हमारी लेबर गन्ने की खेत में है अगर वो चली गई तो यहाँ कोई 200 रुपए क्विंटल भी गन्ना छीनने के लिए तैयार नहीं होगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए इंद्री से मणिपाल कश्यप की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।